हे गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो महेंद्र सिंह धोनी को, वही बहुत सिंपल मेथड को यूज करके। तो अपनी पेपर पेंसिल जो भी आपके पास है उसे लेकर रेडी हो जाइए मेरे साथ ड्रॉ करने के लिए, एंड शुरू करते हैं हम लोग वीडियो बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं ड्रॉ करना। एंड सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। मैंने ये 9 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ किया है, जिसमें मैंने 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं, और ये एक 3x3 का ग्रिड आपको ऐसे ड्रॉ करना है। एंड आप चाहो तो इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हो, जितना आपको ड्राइंग ड्रॉ करना है छोटा या बड़ा। एंड अब शुरू करते हैं हम लोग हमारी आउटलाइंस ड्रॉ करना। तो सबसे पहले मैं फेस के बाहर वाले हिस्से की आउटलाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड मैं जिस बॉक्स में ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन उसमें मेज़र कर ले रहा हूँ कितने डिस्टेंस पे हमें कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो अब लिप्स को ड्रॉ करेंगे। लिप्स को ड्रॉ करने के लिए मैं पहले यहाँ पे एक लाइन खींच ले रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन। ये थोड़ी सी तिरछी होगी, एंगल्ड होगी, बिकॉज हमारी रेफरेंस में भी ऐसा ही है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले एक लाइन खींच ली है, एंड उसके ऊपर फिर मैंने अपर लिप्स एंड फिर लोअर लिप्स ड्रॉ किए हैं। और कितने साइज़ होने चाहिए, कितना लंबे हमारे लिप्स होने चाहिए, वो हम लोग हमारे जो ग्रिड है उसके अकॉर्डिंग मेज़र कर लेंगे, एंड फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, तो बियर्ड और मुस्टैच ड्रॉ कर लेते हैं, एंड सेम मैं अभी वही कर रहा हूँ, मैं बस एक लाइंस ड्रॉ कर ले रहा हूँ ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि कितने डिस्टेंस पे हमें बियर्ड ड्रॉ करनी है, कहाँ से बियर्ड ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। ओके, तो हम नीचे वाले क्लोथ्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, एंड क्लोथ्स भी मैं वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ आइडिया लेके कि कितने डिस्टेंस पे कितने दूरी पे ड्रॉ करने हैं हमें। और अब यहाँ पे थोड़ा सा गैसिंग वर्क चलेगा, एंड ये आप अच्छे से ड्रॉ कर लोगे आई नो, क्योंकि जब आप फेस ड्रॉ कर लेते हैं तो अब उसको उसके अकॉर्डिंग हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारी बॉडी हमारे जो क्लोथ्स हैं वो कितने छोटे होने चाहिए या कितने बड़े होने चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे,
एंड धीरे धीरे हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो अब हम जो हमारे बॉक्सेस हमने ग्रिड्स ड्रॉ किए थे वो इरेज कर लेते हैं, एंड हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा शेड करने वाला हूँ, तो वो पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ। एंड हमारी कंप्लीट ड्राइंग कुछ इस तरह से है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।